नमस्कार दोस्तों, इनकी 37 प्लस की एज है और इनका कहना है 2018 से एक रुपया अर्न नहीं हुआ है। उसका कारण तो हम जो सेकेंड फोटोग्राफ्स है उसका यूज़ लेंगे, उस पर मैं दिखा दूंगा आपको। उसके पहले इनकी शादी कब होगी? अब इनके जीवन को अगर देखें तो लगभग 30 और 32 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई विजातीय पात्र इनके जीवन में आया होगा। 30 में भी आया होगा और एक 32 के आसपास आया, एक दो साल प्लस माइनस इस पीरियड में कोई ना कोई विजातीय व्यक्ति इनके जीवन में आई होगी। एक और चांस लगभग 41 के आसपास इनके जीवन में आता दिख रहा है। इस पीरियड में इनकी शादी हो सकती है क्योंकि कोई ना कोई विजातीय पात्र जब जीवन रेखा और माइंड लाइन को टच करती है कोई लाइन, तब व्यक्ति के जीवन में आता है और व्यक्ति इनिशिएटिव ले तो उस पीरियड में व्यक्ति शादी भी कर लेता है, तो ये एक मौका बनेगा। दूसरा, इन्होंने सवाल पूछा है कि शादी किस तरह की हो, यानी जीवन कैसा होगा शादी के बाद का। तो इनका इस फोटोग्राफ में तो गुरु पर्वत इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जो इन्होंने सीधा हाथ भेजा था वो हिसाब से गुरु पर्वत देखे तो एकदम नॉर्मल है। तो इस तरह का प्रॉब्लम इनको जीवन में आना नहीं चाहिए। पर अगर इस गुरु पर्वत की बात करें तो 100% इनको पारिवारिक प्रॉब्लम भी होगा और जीवन में जो शादी होगी उसमें भी मनमुटाव चलता रहेगा, ये अगर इस फोटोग्राफ के गुरु पर्वत को माने तो। और एक सीधा हाथ रख के और फोटो है उसमें गुरु पर्वत नॉर्मल मिल रहा है, पर पारिवारिक झंझटें इनके जीवन में होगी तो ये 100% इस तरह का गुरु पर्वत इनके जीवन में है। इसका उपाय मैं दे दूंगा इनको, घर और घर में किसके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, तो ये टाइप के जो जवाब है ये पामिस्ट्री में नहीं मिलते, ये आपको कुंडली के अंदर इसके जवाब ढूंढने होते हैं। कुंडली में आपका आपके बुआ के साथ कैसा रिलेशन होगा वो भी दिख जाता है, पर पामिस्ट्री में इतनी बारीकाई से जानकारी नहीं मिलती। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हाँ, अगर कोई जानकार होगा भी तो मेरे पास वो जानकारी नहीं है। बिजनेस कौन सा करूं? तो ये जो सवाल है ये आपका पाम रेक्टेंगल है। आप सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करिए आपको 100% सफलता मिलेगी, चाहे वो दुकानदारी आ गई, चाहे वो सेल्स फील्ड आ गई, उस तरह का कोई भी फील्ड आप करिए आपको 100% सफलता मिलेगी क्योंकि रेक्टेंगल पाम है और साथ में चौड़ाई भी है। गाड़ी बंगला ये सारी कुछ आपके पास, बंगला तो मैं नहीं कह सकता पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी, उसमें दो राय नहीं। और गाड़ी घोड़ा भी आपके जीवन में आई थिंक अभी भी होना चाहिए क्योंकि ये शुक्र रेखा है व्यक्ति को गाड़ी में घुमाती जरूर है, तो हो सकता है आपके जीवन में अभी भी ये लाभ मिलता हो, होगा ही आपको। तो गाड़ी घोड़ा आपके जीवन में दिख ही रहा है। विदेश का चांस, यस, ये जो रेखा है जीवन रेखा ये पूरी टच हो रही है चंद्र पर्वत को। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो 100% विदेश जा सकते हो, और अगर विदेश नहीं जा पाते हो तो एक कार्य और कर सकते हो, आपको अपने जन्मस्थल से कम 500 किलोमीटर तो दूर चले जाना चाहिए। तो 100% आप जो सफलता पा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको सफलता जीवन में मिल सकती है, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जाती है या तो उसको विदेश के लिए ट्राई करना चाहिए, चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और अगर विदेश नहीं जा पाते किसी भी कारणवश तो व्यक्ति को अपने जन्मस्थल से मिनिमम 400-500 किलोमीटर दूर चले जाना चाहिए, तो व्यक्ति अच्छा खासा डेवलपमेंट अपने लाइफ का करता है। इन्होंने पूछा कितना पैसा आप कंटिन्यू पैसा कमाते रहोगे और खर्च भी करते रहोगे और एक अच्छा सा जीवन जीते रहोगे। अब कितना पैसा बताया उसका जवाब इस पाम पर है नहीं, ऐसे कोई बहुत सारे अच्छे साइन आपके हाथ में नहीं है कि मैं एक अमाउंट बता सकूं, पर व्यवस्थित पैसा कमाते रहोगे
और सारी इच्छाएं आप अपने जीवन में पूरी करते रहोगे। अब नॉर्मल पाम एनालिसिस की ओर चलते, ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल है, तो व्यक्ति बोलने की कार्य में बहुत एक्सपर्ट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में इनको जाना चाहिए, ट्रिमेंडस वर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, साथ में चौड़ाई भी है, तो बहुत मेहनती व्यक्तित्व भी रहता है, मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा खासा सक्सेसफुल बनाते हैं। इनका अंगूठा मध्यम टाइप का है, तो मध्यम टाइप की पर्सनालिटी होगी, और थोड़ा सा बैंड भी हो रहा है, तो मित्रता ऐसे चुटकी बजा के लोगों के साथ होती है इनकी। पर फर्स्ट फैलेंज जिद अच्छी है, नुकीला भी है, कार्य के प्रति जिद्दी भी होंगे, पर सेकेंड फैलेंज कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है, तो लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात बताने में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर पड़ते होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा कमजोरी रहता होगा। उंगलियां छोटी है, तो ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत स्पीड में निर्णय लेते। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह की उंगली जब होती है और जेब में 50,000 हो, तो व्यक्ति 50,00,000 का रिस्क ले सकता है, ऐसे लोग ये लोग होते हैं, ये बहुत हिम्मत वाले होते हैं। और इस पर एक मोल दिख रहा है, ये मोल व्यक्ति को कोई और काम करेगा और नाम इनका खराब होगा, इस तरह का फल मिलता है। इनके द्वारा कोई गलती नहीं होती, किसी और ने कार्य किया रहता है, उसके नाम पर चिट्ठी ना फटने के बावजूद इनके नाम पर चिट्ठी फटती है, इस तरह का माइनस पॉइंट इस मोल के कारण मिलता है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। और यहां पर देखे तो ये छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं 20% के आसपास ये कमज़ोर रहेंगे। बुध पर्वत मध्यम है, तो मध्यम टाइप की पर्सनालिटी होगी, बोली, सारी चीज़ें मध्यम होगी, व्यापार की समझ, आवाज़, सारी चीज़ें मध्यम टाइप की होगी। और यहाँ पर देखे तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनते बनते अधूरी है, ये यहाँ पर चली, एक लाइन यहाँ पर केवल जॉइंट होनी चाहिए, ये जॉइंट हो गई तो व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ अपने जीवन में बनाता है। पर फिर भी मैं कहूँगा शुक्र पर्वत पर स्क्वायर है, तो इनको प्रॉपर्टियाँ अच्छी खासी मिलती है, कोई टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर साइन हो या ना हो, ये स्क्वायर ही आपको प्रॉपर्टियां दिला देंगे। और ज़्यादा स्ट्रांग रेखा नहीं है सूर्य रेखा, तो व्यक्ति को बेसिक सफलता जीवन में इजीली मिल जाती है। विद्या रेखा बहुत बड़ी बनी हुई है, इस तरह की रेखा व्यक्ति को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा दिलाती है, और लोग इनको पूछ कर काम करते हैं, और साथ में ये रेखा इनडायरेक्ट सपोर्ट भी करती है व्यक्ति को आगे बढ़ने में, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति होता है, बेसिक नॉलेज होता है, तो वो नॉलेज अपने जीवन में यूज़ करता है और जीवन में सफलता पाता है। और लोग बुढ़ापे तक इनको पूछ कर काम करते रहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ कर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब इनके हाथ पर देखें तो एक रेखा यहाँ चली शनि पर्वत पर, शनि पर्वत काफ़ी फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, एक ये चीज़ है, और साथ में एक झुकाव सूर्य पर्वत की ओर भी जा रहा है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रही है, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो ये या तो व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, बहुत लोगों के हाथों में जिनके घर में माँ बाप या भाई बहन सरकारी लाभ उठाते रहते, उनके हाथों में भी इस तरह की रेखा पाई जाती है, तो सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, या ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, या व्यक्ति अपने लाइन में चरम पर पहुंचता है, यानी मैनेजरियल पोस्ट पर पहुंचता है, उस तरफ ये इशारा करती है। और बहुत बार फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हाथ में भी
इस तरह की गुरु पर जाते हुए रेखा मैंने पाई है। तो एक रेखा बहुत सारे मतलब अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग रूप से पेश आती है। बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम होते रहेगी, इनकम की कोई टेंस इनको है नहीं। अब गुरु पर्वत ऐसे देखा जाए तो यहाँ से दबा हुआ है, और इनका जो कहना है कि शादी अभी तक हुई नहीं, और सच में इनकी शादी नहीं हुई होगी, तो ये 100% इसी तरह का गुरु पर्वत है। मैं इसका उपाय दूंगा, और इस तरह का गुरु पर्वत व्यक्ति को पारिवारिक समस्या और शादी करने के बाद पति पत्नी के साथ भी मतभेद क्रिएट होते हैं, यानी तूतू मैं होते रहती है इस तरह की जब गुरु पर्वत होता है। तो मेरे हिसाब से इसी तरह का गुरु पर्वत इनके जीवन में होगा अगर ये सवालों का जवाब हाँ होगा तो, और कंटिन्यू रेखा बनी हुई है ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, इस तरह का मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत सज्ज करता है, और जवानी के दिनों में इनके मुंह से अपशब्द भी निकलते हैं। और इस तरह का मंगल है ये 100% जमीनों का लाभ इनको करवाएगा। ये चाहे तो रियल स्टेट के अंदर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल इनके काफ़ी पावरफुल है। ये व्यक्ति को शारीरिक एनर्जी देता है, ये जब किसी से मिलते व्यक्ति को तो एनर्जी के साथ मिलता है सामने वाला, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है और क्लीन है, और पूरी जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, और एक फोक भी बन रहा है। तो ज़्यादातर देखा गया इस तरह से फोक वालों का जीवन में यात्राएं बहुत रहती है, यात्राएं बहुत करनी पड़ती है ऐसा देखा गया है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति की निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, ये सारे लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। अब जिनकी फेट लाइन इस तरह से निकलती है उस व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बनता। हाँ, बहुत बार लोगों को यहाँ से एक बुध रेखा जाकर इस तरह से बनते जरूर देखा है, पर इनके हाथ में है नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, क्योंकि किसी न किसी रूप से ट्रायंगल कहीं पर भी बनो वो फल देता ही है, कहीं पर भी ट्रायंगल होगा तो ये बन रहा है। तो बुढ़ापे तक ये एक व्यवस्थित अपना धन संग्रह कर लेंगे। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, और इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति को कामुकता देता है, प्लस गर्मी सहन नहीं होती ऐसे लोगों से, पैसा भी खूब कमाते और खर्च भी खूब करते, इस तरह की मानसिकता बनती है। और काफ़ी क्लीन शुक्र पर्वत है, और इस पर स्क्वायर इनको जमीनों के लाभ दिलाएंगे। इनकी हृदय रेखा देखें, तो यहाँ से शुरुआत होकर ये सीधी चलकर यहाँ चल रही है, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी हुई है। अब इसकी जो आरंभ स्थान है वो लगभग गुरु के पास से टच हो रहा है, तो व्यक्ति भरोसे लायक हो जाता है। दूसरी चीज, फ्लड लाइन बनती है तो कहीं पे भी कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर व्यक्ति दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जब देखा जाए तो एक तरह से ये रेखा इनकी शनि क्षेत्र से ही चालू होती है, तो शनि क्षेत्र वाले लोग आँख खुलते ही पैसा कैसे कमाना उस तरफ इनका ध्यान जाता है। दूसरी, कामुक भावना रहती है, और तीसरी, कभी कभी ये लोग फिजिकल बनते हैं। इस तरह के तीन रूप व्यक्ति के जीवन में होते हैं। अब इनकी माइंड लाइन कितनी बढ़िया है, पूरी गुरु पर्वत से टच होकर सीधी चल रही है, और ऐसे देखा जाए तो इनका गुरु पर्वत काफ़ी बड़ा है, तो ये फूड इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। जब गुरु पर्वत से इनकी लाइन चालू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और चंद्र पर्वत तक इतनी बड़ी माइंड लाइन चले तो व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली होता है, और बुद्धि के बल पर अपने जीवन में अच्छा खासा विकास करता है। और थोड़ी सी चंद्र की ओर झुक रही है, हल्की सी, तो व्यक्ति धार्मिक भी धीरे धीरे बनते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे धार्मिकता भी आती है। सेम इसी तरह की इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, पूरी सीधी चलकर
यहाँ चल रही है, तो काफी अच्छी जीवन रेखा है, उस पर केवल एक राहु रेखा दिख रही है, 31-32 के आसपास कोई ना कोई जीवन में आया होगा या कोई संकट आया होगा, 30 के आसपास, 31 के आसपास भी कोई जीवन में आया होगा, दस्तक दी होगी फीमेल पात्र ने, और 53 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, इस पीरियड में इनको कोई ना कोई संकट आ सकता है, ये कोई ना कोई खर्च कराएगी, या बाकी पूरी लाइन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, स्मूथ चल रही है। और इसके बाद, इसी रेखा के बाद ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टियाँ अच्छी खासी इनको दिलाएगी, और ये ऑफशूट भी दो कोई ना कोई प्रॉपर्टी की ओर इशारा और सफलता की ओर इशारा जा रहा है। अब इनकी फेट लाइन को समझने के लिए इनका क्लोजअप लेंगे हम, जो अभी वर्तमान समय में इनका प्रॉब्लम चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम। ये इनका क्लोजअप, इस क्लोजअप पर देखें तो एक कट लगभग 24-25 के आसपास है, एक कट 36 से लेके यहाँ तक देखिए, ये लाइन यहाँ रुकी गई 37 के आसपास, ये लाइन कंप्लीट रुक गई, और यहाँ से एक अलग से लाइन शुरू होकर ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये जो पीरियड है, ये इतना पीरियड इनका काफ़ी टेंस वाला जीवन में जाएगा, 35.5 से लेके ये पीरियड व्यक्ति को परेशान कर देगा, और जो एक साल से ये कमा नहीं रहे उसका कारण है ये शिफ्टिंग चालू है यहाँ पर, और यहाँ से ये इनकी जीवन की शुरुआत होगी, और शुरुआत होते ही इनको लगभग 39 के आसपास कोई आर्थिक थोड़ा सा नुकसान भी जाएगा, हल्का सा, और ये अगर हृदय रेखा से निकलती होगी रेखा और ये कट करती होगी तो लगभग 41 के आसपास ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हृदय रेखा से नहीं निकलती होगी, उसके बाहर से कहीं से निकलती होगी, तो इस पीरियड में ये आर्थिक नुकसान करेंगे 41 के आसपास। फिर इनकी जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, और यहाँ से ही 41 के बाद इनकी गाड़ी बहुत रफ्तार पकड़ेगी, और ये कंप्लीट चलकर यहाँ तक चल रही है नॉन स्टॉप। तो ये जो समय जाएगा इसके बाद इनके जीवन में एक रफ्तार आएगी, और ये रफ्तार अच्छी खासी होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रफ्तार बढ़ती जाएगी। एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, विदेश से धन प्राप्ति दिखाती है, और दूसरी रेखा ये पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ की ओर भी इशारा करती है। तो हो ना हो उस पीरियड में कोई उस तरह का भी सरकारी ठेका या उस तरह का भी कार्य इनके जीवन में हो सकता है। तो इस तरह का इनको ये जो 41 तक का पीरियड है, ये कभी खुशी कभी गम वाला जाएगा इनके जीवन में, और ये पीरियड लगभग 35.5 से शुरुआत हुई होगी, और ये लगभग 41 तक इनके जीवन में रहेगा, और उसके बाद ये अच्छी खासी फेट लाइन स्ट्रांग होकर चल रही है। तो इनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव 41 से आता दिख रहा है, 41 से ये अच्छी खासी अर्निंग करना शुरू करेंगे, और ये रेखा इनका शादी करवा सकती है, ये रेखा, ये लगभग 41 के आसपास ही इनके जीवन में सहनाई बस्ती दिख रही है, अगर पहले शादी नहीं हुई होगी तो ये पीरियड को इनको ग्रैब कर लेना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।